जीत हूँ ना हार हूँ, संघर्ष की शुरुआत हूँ, ना विषाद ना अभिशाप मैं आदि का अवतार हूँ, और निष्कर्ष से अनभिज्ञ मैं अतीत का तिरस्कार हूँ, निष्कर्ष से अनभिज्ञ मैं अतीत का तिरस्कार हूँ, विराम का सूचक नहीं मैं अवसरों की खान हूँ। मैं शून्य हूँ आगाज हूँ, मैं शून्य हूँ वरदान हूँ। कहते हैं जब इंसान शून्य कब आता है किसी के जिंदगी में, कब उसका अस्तित्व आता है, जब वो निराश होता है, जब वो अवसाद में होता है। पर किसी भी चीज की शुरुआत तो करनी ही है। शून्य को हम शुरुआत करने का एक नजरिया भी देख सकते हैं। उसके लिए ये कहता है कि निराश उस अवसाद में नवचेतना संचार हूँ, निराश उस अवसाद में नवचेतना संचार हूँ, अकर्मता का अंत में कर्तव्य का उद्गार हूँ। मैं हार का भय हूं नहीं, विजय की मैं हुंकार हूँ, मैं शून्य हूँ आगाज हूँ, मैं शून्य हूँ वरदान। आगे शून्य के साथ एक बहुत अच्छी विशेषता है, जब आप शून्य पे होते हो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पर पाने के लिए आपके पास सब कुछ होता है। उस पहलू को मैं रखना चाहूंगा कि खोने को ना कुछ भी यहां, पाने का ही विश्वास है। खोने को ना कुछ भी यहां, पाने का ही विश्वास है, पाताल में मैं हूं जहां, दिखता मुझे आकाश है। पराजय को स्वीकार मैं प्रयास का पर्याय हूं, पराजय को स्वीकार मैं प्रयास का पर्याय हूं, अंधेर उस विकराल नभ में तारों सा जलता ख्वाब हूं, मैं शून्य हूं आगाज हूं, मैं शून्य हूं वरदान हूं। देखिए शून्य का जो आविष्कार है वो हमारे भारतवर्ष में हुआ था, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इसका आविष्कार किया था। मैं आज आपके सामने एक पक्ष रखना चाहूंगा कि शून्य को भारतीय संस्कृति के तरह से आप कैसे देख सकते हैं। शून्य को जब किसी भी संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो उस संख्या की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भारतीय संस्कृति को आप इस तरह देख सकते हैं कि जब भारतीय संस्कृति में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, शून्य को जब किसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो शून्य हो जाती है, यानी कि शून्य में समाहित करने की काबिलियत है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी काबिलियत, ये आपको सबको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति भी सारे धर्मों को समाहित करने की योग्यता रखती है। इसके अतिरिक्त जब शून्य को हम किसी संख्या में आगे या उसके पीछे लगाते हैं तो हमारा वैल्यू जो है 10 times या 100 times बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति विश्व पटल पे उसी स्थान रखती है कि जब विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति को हम देखते हैं तो पूरी विश्व की संस्कृति का मूल्य बढ़ जाता है। उनको मैं 4 lines से कहूंगा कि वजूद को स्वीकार मेरे, बढ़ता तुम्हारा मोल है, वजूद को स्वीकार मेरे, बढ़ता तुम्हारा मोल है, संगत से मेरे यहां इकाई भी अनमोल है, सर्वधर्म सम्मान मेरे, सर्वसम्मति का तोल है, अस्वीकार कर मुझे ना तुम्हारा मोल है। शून्य काफी नवीनता देता है, काफी नवीन है और नवीनता का एक संचार रखता है। इसे आज से हमें इस पहलू को देखना चाहिए कि शून्य एक नवीन सोच का परिचायक है। तो अपनी 4 lines में बोलूंगा कि नवधेय नवचेष्टा नित ही नया मैं भाव हूं, नवधेय नवचेष्टा नित ही नया मैं भाव हूं, उत्साह उमंग उल्लास में कर्तव्य का इकराग हूं, मैं आदि का संचार हूं, अनंत का श्रृंगार हूं, मैं शून्य हूं आगाज हूं, मैं शून्य हूं वरदान हूं। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।